हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 12th क्लास की न्यू डेट शीट आ चुकी है और आप लोगों का सोशियोलॉजी की एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों की डेट शीट डिस्कस की है, एक बार आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और जैसे कि मैंने उस वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि हम लोग अब स्पीड में रिविजन स्टार्ट कर देंगे। आई नो आप लोगों को थोड़ी टेंशन स्टार्ट हो चुकी है, बट मैंने प्रॉमिस किया था कि इसे एक डेढ़ महीने में हम लोग ट्राई करेंगे आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो हम अपनी तरफ से रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सोशियोलॉजी की फर्स्ट रिवीजन वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट, कुछ छोटे छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को सोशियोलॉजी के पेपर का कंसेप्ट पता होगा, आप लोग 11th में भी एग्जाम दे के आए हैं, 12th में भी आप लोगों ने अब तक एग्जाम दिए हैं, तो आप लोगों के 2 मार्क्स क्वेश्चन भी कुछ स्टार्टिंग के 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। तो वो 2 मार्क्स क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज What are the reason for the sex ratio to be in favor of females? क्या reason है कि कुछ countries में, कुछ parts में जो है वो sex ratio female के favor में होता है? तो ये जो है ना, ये आपके chapter first के ही NCERT का part है, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख के चलेंगे। NCERT की direct line से ही हमने इसका answer pick करा है। तो what was the answer? The answer is first point, दो reason है इसके, ठीक है? 2 marks का question है, दो reason आपको direct reason mention करते ही full 2 marks आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्या reason है? कि girls babies appear to have an advantage over boy babies in terms of resistance to disease in infancy। देखिए infancy वाला time period की मैं बात करूँ तो infancy क्या होता है? Infancy मतलब एक साल तक जब बच्चा होता है ना, तो वो infant वाला period कहलाता है। 0 से 1 year तक वाला time period है, मतलब 12 month का विदिन वाला period, वो infancy period कहलाता है। तो ये कहा जाता है कि जो girls की resistance power होती है ना disease को फाइट करने की, वो कंपैरेटिवली बॉयज से ज्यादा होती है इन्फेंसी वाले टाइम पीरियड में। तो वो जनरली ज्यादा सर्वाइव कर सकती हैं इस टाइप की इन्फेंसी के टाइम में, जो इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट होता है ना उस पे वो ज्यादा सर्वाइव कर सकती हैं। अब कम है क्यों, किसी रीजन में कम है, तो वो तो आपको पता है कि जेंडर इक्वालिटी की वजह से कम है। पहले से मार दिया जाता है, फीमेल फॉर्टिसाइड का केस है, बाद में टेक केयर नहीं की जाती, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या दूसरा रीजन है। वुमेन हैव टेंडेड टू आउटलिव मैन इन मोस्ट सोसाइटी, सो देयर आर ओल्डर वुमेन देन मैन। वुमेन कंपैरेटिवली मैन से ज्यादा जीती हैं। ये देखा गया है कि क्या कि वुमेन की जो लाइफ होती है वो मैन से कंपैरेटिवली वो मैन से ज्यादा जीती हैं, और इसीलिए जो है देयर आर मोर ओल्डर वुमेन देन मैन, कंपैरेटिवली ओल्डर वुमेन ज्यादा है मैन से। तो इन टोटैलिटी, इन दोनों रीजन की वजह से कुछ कंट्रीज में, कुछ पार्ट में फीमेल्स आर मोर देन द मैन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है, ओके? नेक्स्ट कंसेप्ट इज कैपिटलिज्म पे क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन कैपिटलिज्म पे बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिज्म, बट यहाँ पे मैंने आपको कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी तीनों एक साथ बता दी, क्योंकि तीनों इंटरलिंक्ड कंसेप्ट है, तो इनमें से कुछ भी आए तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कैपिटलिज्म के कंसेप्ट की बात करते हैं। देखो कैपिटलिज्म वर्ड आते ही ना हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि बात होगी मार्केट की। एक तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और वो भी किस टाइप की इकोनॉमी की बात कर रहा है, मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा है। मार्केट इकोनॉमी मीन्स वॉट, कि यहाँ पे जो है ना हम इकोनॉमी की इकोनॉमी फ्रीडम देंगे, प्राइवेट पर्सन जो है ना, प्राइवेट पर्सन यहाँ पे काम करेंगे प्रॉफिट अर्निंग के लिए, दे पीपल विल वर्क, यहाँ पे पैसा कमाना इनका मेन मोटिव होगा, कि हम लोग क्या है प्राइमरी फोकस पैसा कमाने पे रहेगा हमारा, जॉब जनरेट करे बहुत ज्यादा से ज्यादा, ये सब चीजों में इनका मोटिव नहीं होता है। दे जस्ट वॉन्ट कि प्रॉफिट अर्न करे हमारी कंपनी, और देखो प्रॉफिट अर्न करेगी तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी को बेनिफिट तो है, ठीक है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी, तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग की बात होगी। प्राइस जो है वो डिसाइड करा जाएगा मार्केट के थ्रू। मार्केट कैसे प्राइस डिसाइड करती है? मार्केट कोई पर्सन थोड़ी है जो आके बोलेगा कि इतना प्राइस मार्केट में होगा, नहीं। मार्केट में देयर आर 2 कॉन्सेप्ट, डिमांड और सप्लाई। मार्केट में किसी चीज की कितनी डिमांड हो रही है और कितनी सप्लाई हो रही है, देखो मैं रफली समझा रही हूँ, डिटेल डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट नहीं देखना है, बट जनरली एक आपका डिमांड कर्व होता है जो नेगेटिवली स्लोपिंग इस तरीके से नीचे की तरफ आता है, और एक आपका सप्लाई कर्व होता है जो पॉजिटिवली स्लोपिंग ऊपर की तरफ जाता है। तो जहां पे भी ये दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, टच करते हैं ना, वो प्राइस हम मार्केट में क्या कर देते हैं, प्रिवेल कर देते हैं, कि ये डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू डिसाइड करा हुआ प्राइस है। तो इस तरीके से कैपिटलिज्म में प्रोडक्ट के जो गुड्स हैं उनके प्राइस डिसाइड होते हैं। तो कैपिटलिज्म की मैं बात करूं तो कैपिटलिज्म इज अ काइंड ऑफ मार्केट इकोनॉमी इन विच देयर आर प्राइवेट पीपल हु आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट अर्निंग एंड द प्राइस इन दिस इज डिसाइडेड बाय द मार्केट, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म, ओके? अब इसके फादर कौन है, कैपिटलिज्म का कांसेप्ट किसने दिया, द पर्सन इज एडम स्मिथ। नाम मेंशन कर दोगे, नंबर थोड़े एक्स्ट्रा मिल सकते हैं कि आपको चीजें अच्छे से पता है। दूसरी बात करते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। सोशलिज्म नाम से समझ में आ रहा है सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी की बात कर रहा है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे प्राइवेट पीपल काम नहीं करते, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फुल कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट यहाँ पे कंट्रोल ही किसका है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट काम कर रही है, तो आप अभी देख लो गवर्नमेंट पैसा कमाने की नहीं सोच रही है। गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम्पल लो, बच्चों को फी मिल रही है ना, बच्चों को तो पैसा मिल रहा है यूनिफॉर्म का, इन चीजों का। गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा थोड़ी कर रही है वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराने की सोच रही है।
तो गवर्नमेंट इस तरीके से क्या करती है, सोशल वेलफेयर पे बिलीव रखती है कि सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, ये प्रॉफिट कमाने में बिलीव नहीं रखती, ये सोचती है कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, जॉब जनरेट हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी लाती है, वर्क्स भी करती रहती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें प्राइस कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इतनी बात हमें समझ में आई। उसके बाद हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट अगेन एडम स्मिथ का के थ्रू प्रोपाउंड किया हुआ है। मिक्स्ड इकोनॉमी हमें नाम समझ में आ रहा है कि वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर है, यानी यहाँ पे प्राइवेट पीपल भी काम करते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रहा है, यानी प्राइस प्राइवेट का प्राइस कौन रखेगा, प्राइवेट पीपल रखेंगे, और गवर्नमेंट का कौन रखेगा, गवर्नमेंट रखेगी। लेकिन हाँ, प्राइस यहाँ पे डिसाइड होता है डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म के थ्रू, बट अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये प्राइस बहुत ज्यादा है या प्राइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पैसा कमाने का प्योर श्योर शॉट मोटिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी की तो धज्जियां उड़ा दो बिल्कुल और आप करो क्या, प्रॉफिट कमाने में लगे रहो, तो ऐसा नहीं होता। अगर क्योंकि गवर्नमेंट का भी रोल है, गवर्नमेंट को अगर ये चीज लगेगी कि आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए सोशल वेलफेयर को नेगेटिव में लेके जा रहे हो, उसको कंसीडर ही नहीं करो, तो गवर्नमेंट बोलेगी। आपको पता है आजकल तो एनवायरमेंट को लेकर भी कितना ज्यादा कंपनीज वगैरह पे जो है वो गवर्नमेंट रूल्स लगाती है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी कंपनीज का काम है, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है। तो यहाँ पे इस तरीके की इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जो आपकी यूएसए की इकोनॉमी की मैं बात करूँ ना, तो वो कैपिटलिज्म का एग्जांपल होता है यूएसए की इकोनॉमी। रशिया की, मैं यूएसएसआर था पहले, रशिया की इकोनॉमी की मैं बात करूँ तो ये किस टाइप की इकोनॉमी हो जाएगी, सोशलिज्म इकोनॉमी। और हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, इट इज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मैं आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी दे दूँ कि हाउ यू कैन से दैट इंडिया इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आप इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है क्यों, क्योंकि इसमें इन दोनों के फीचर मिलते हैं और इन दोनों के फीचर एक्सप्लेन कर दोगे। या फिर मैं कहूँ कि कमेंट ऑन द टाइप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के टाइप पे कमेंट करो, तो भी आप बता दोगे कि इट इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड इन दोनों के फीचर आप एक्सप्लेन कर दोगे। तो कुछ मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो हमने यहाँ तीनों कंसेप्ट देख लिए। उसके अलावा हमारा आज का तीसरा कंसेप्ट जो है, दैट इज इमेजिन्ड कम्युनिटी। देखो इमेजिन कम्युनिटी में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, वो डू यू मीन बाय इमेजिन कम्युनिटी, कमेंट ऑन इमेजिन कम्युनिटी, कुछ भी, ठीक है। तो आपको वर्ड या दिमाग में रखना है इमेजिन्ड कम्युनिटी। इमेजिन कम्युनिटी की मैं बात करूँ, इमेजिन करना मतलब सोचना, कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो सोचा हुआ एक ग्रुप ऑफ पीपल जो प्रैक्टिकली साथ में ग्रुप नहीं है, तो क्या मतलब है इसका। देखो इसको कनेक्ट करा गया है, ये हमारे एक पर्सन बैंड्रिस एडर्सन है, इन्होंने क्या करा है, इसको प्रिंट मीडिया से कनेक्ट करा है कि जैसे जैसे प्रिंट मीडिया का एक्सपेंशन हो रहा था ना, न्यूज़पेपर वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा एक्जिस्टेंस में आ रहे थे, तो उस वजह से लोगों को क्या हो रहा था, लोगों का कनेक्शन और कम्युनिकेशन बढ़ रहा था, लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे थे, लोग नेशनलिज्म की फीलिंग को जा रहे थे। इंडिया की भी बात करूँ, हम अंडर ब्रिटिशर थे, बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर स्टार्ट करे इतने सारे, जिससे लोगों में नेशनलिज्म की भावना जागी, लोगों को इधर उधर की न्यूज़ पता चलने लगी, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है, तो उससे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्ट होता है। तो ठीक है, यहाँ हम सिर्फ इंडिया को नहीं बात कर रहे हैं, हम जनरल लेवल पर बात कर रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया के आने से लोगों का कनेक्शन कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हुआ, लोगों में नेशनलिज्म की भावना जुड़ी, और फिजिकली एक साथ ना रहते हुए भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। इमेजिन, इन इमेजिन कम्युनिटी पीपल आर not connected with each other physically, we are not living together, we are not staying together, we are not meeting together, हम regularly मिल नहीं रहे हैं, but still यहाँ पे print media के expand होने से, newspaper के आने से लोगों को एक दूसरे के बारे में जो है information exchange करने का, nationalism का बहुत अच्छा यहाँ पे मौका मिला। तो इस तरीके की community को हम लोग क्या बोलते हैं, imagined community बोलते हैं। ओके, तो दीज आर द 3 कंसेप्ट जो हम आज की वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे इसी तरीके के कुछ छोटे छोटे और कंसेप्ट, या फिर किसी बड़े 6 मार्क्स क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।